नुक्ता थी बहुत काम। अब जले को जला ना बोले। वेजिटेबल काटनी थी, बर्तन धो रही थी, सब बताओ ना। तुमने बता दिया, तुम दो चार बातें और भी बता दो। गाइस ये देखो इतना सा धनिया है, ये है 10 रुपए का, मतलब 50 ग्राम भी नहीं होगा ये। इवनिंग गाइस, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। यहाँ पे हमारी कॉफी बन चुकी है और बाहर आ चुके बच्चे। देखो ओलू को देखो, जैसे ही बच्चे आते ना ओलू को होता है कि बस छोड़ दो मेरे को। वो देखिए बारिश का कितना प्यारा मौसम बना हुआ है। यहाँ पे कितनी बारिश वारिश हो रही है और हमारी पूरी छत गीली होगी। देखो आज तो गाइस ये कहना गलत नहीं होगा कि ना जब गर्मी जिस दिन होती है ना उस दिन आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो आज एनर्जी बहुत बढ़िया है। और आज ना मैं वर्कआउट इस टाइम पर लगा लूँगा दिन में ही थोड़ा सा। और आज जैसे मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में पकौड़े तो बनते ही हैं। तो आज पूजा मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा पकौड़े वकौड़े बना दो अच्छे से हमारे लिए, तो चलते हैं उनको मनाया जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा प्यारे खूबसूरत और आपकी कुकिंग तो बेस्ट है। नहीं कुकिंग मेरी बेस्ट नहीं है, नहीं है। और आपके हाथों के पकोड़े, बट कुकिंग नॉट। आपके हाथों के आपको पकोड़े मम्मी के हाथों के कैसे लगते हैं? ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर पकोड़े खाने हो। वाइफ को मनाना पड़ता ताकि वो अच्छे से पकोड़े बनाए, क्योंकि पूजा के हाथ की कुकिंग अच्छी होती है और वैसे भी पकोड़े किसी और के हाथ के अच्छे लगते हैं। गाइस फाइनली अभी मैंने नहा लिया है, आकृति ने अपना होमवर्क कर लिया है ना, और आकृति का आज पता क्या किया, अपनी बुक पे खुद ना वो कवर चढ़ा दिया। दिखा दे बेटा कैसे चढ़ाया आपने। ओ जैसे मैंने आपको बोला था कि आज ना हमने पूजा मैडम को मना लिया कि आज हमारे घर में बैठे पकौड़े, तो उसके लिए हमने जाना है सामान लेके आना है। और सामान में सबसे बड़ी बात है कि हमने चटनी का सामान लेके आना, क्योंकि चटनी जब तक मस्त वाली ना बने ना तब तक पकौड़े खाने का मजा नहीं हो रहा है। मैं जब अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल गई थी तब ना मैं फुल बैग लेके गई थी, फिर धीरे धीरे मैंने टाइम टेबल के हिसाब से रखी है। शाबाश। वाह तो ये देखो आकृति की थी वो बुक, और ये आकृति ने कवर चढ़ाया इस पे ना आकृति। नहीं सही बात है बेटा, वेरी गुड बच्चे, बहुत सुंदर किया आपने। पहली मार्केट से तो आ गया हूँ, लेकिन जो चटनी के लिए सामान लेने गया था जाते कि धनिया इतना महंगा हो गया, 200 रुपये किलो है। ये बताओ 200 रुपये किलो धनिया ले के हम बना रहे हैं चटनी पकौड़ों के लिए, क्या मास्टर जी इतने अमीर हो रहे हम। तो भाई ये देखो इतना सा धनिया है, ये है 10 रुपये का, मतलब 50 ग्राम भी नहीं होगा ये, और ये 200 रुपये किलो के हिसाब से दिया गया है। ये आगे हरी मिर्च, क्योंकि पकोड़ों के लिए जो चटनी बननी ना वो बननी ही धनिया की या फिर बनेगी पुदीना की। तब दोनों पुदीना तो मिला नहीं, लेकिन हमें मिला धनिया, तो धनिया लेकर आए। बड़े सी चटनी बनाएंगे, पकोड़े बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज पड़ी है बारिश, थक गया मैं। चटनी मैंने कर दी है रेडी, और पता क्या हुआ है, मैंने ना चटनी में मिर्ची ज़्यादा डाल दी हरी वाली, और उसको मैंने इसे खोल के चेक किया सीधे एकदम भाग करके, मेरे को खांसी लग गई। अब ये चटनी कौन कौन खाएगा वो सब जने आज मेरा गुण गाएंगे। तो गाइस भगवान की दया से ना मेरी कुकिंग अच्छी है, तो मैंने ना पूजा को एक बार खिलाया बना के पनीर के पकोड़े, लेकिन उसमें क्या हो गया मसाले में पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, उस दिन उसने मेरी इतनी ज़्यादा। अब बताओ मेरी कुकिंग कैसी है? हाँ जी मस्त है। हाँ मस्त तो बोलोगे ना, क्योंकि सारा काम तुम मुझसे करवा लेते हो। देखो मैं भी तो तैयार। और यहाँ पे बनेंगे प्याज के पकोड़े, देखो ये मसाला तैयार है, तेल तैयार है, और यहाँ पे तैयार है पनीर के पकोड़ों के लिए, और ये देखो प्यारी सी चटनी। अभी ये देखो मेरे हाथ थोड़े से, अब मैं पनीर के पकोड़े निकालूंगा और मैं और मेरी वाइफ मिलके बनाएंगे एक अच्छे से पकोड़े, क्यों जी। ये कुछ पकौड़े निकले हुए हैं, देखो कितने प्यारे पकौड़े निकले हुए हैं। और माय डियर मैडम तुम क्या बोल रहे थे? मैंने आलू को कट करने के बाद भी धोया है, क्योंकि मैंने इसके बीच का स्टार्च सारा निकाल दिया है, क्योंकि जब आलू में स्टार्च होता है ना और वो कुरकुरापन नहीं आने देता है फिर आलू में, वो जैसे सब्जी में नहीं आता आलू वैसा आएगा, लेकिन पकौड़े में कुरकुरा चाहिए तो इसे थोड़ा सा निकाल देना चाहिए। यहाँ पे हो रहे हैं पनीर पकोड़ा फ्राई, कुछ पकोड़े हो चुके हैं और दो मेरे को जले से लग रहे हैं, और ये मेरी व्लॉगिंग है,
मैं देखो भाई मैं झूठ नहीं बोल सकती ब्लॉग में, मैं सीधा सीधा सच सच बोलूंगी। आधे पति जो तुम लोगों की हेल्प नहीं करते ना, सच्ची बता रहा हूँ पत्नियों की ना, वही कारण है कि तुम लोग नुक्ता चीज बहुत निकालते। अब जले को जला ना बोले, वो कहाँ पे जला यार, अच्छा बनाया वो। तो कैसे देखो थोड़ा सा ब्राउन ज्यादा हो गया है, ऐसे गोल्डन ज्यादा हो गया कि ब्राउन ज्यादा है, वो ब्राउन है, वो गोल्डन है, ये ब्राउन हो गया है, गोल्डन जो है वो दिख रहा है। और गाइस यहाँ पे मैंने किए हैं पोटैटोस, क्योंकि बच्चों को पोटैटोस के पकोड़े थोड़ा बहुत पसंद है। ये रहे अनियन, तैयार हो गए हैं पकोड़े के लिए। लॉन्ग में काटा है और इसके बाद इसको ना मैश कर दिया हाथ से, ताकि ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए और पकोड़े में इनका, ताकि मसाला बीच बीच में अच्छे से बेसन मसाला वगैरह सब कुछ जाए। और थैंक यू बिल्कुल मत बोलना। और जब हमारे घर में पकोड़े बनते हैं ना गाइस, तो बनते हैं ज्यादातर रात को शाम को, और डिनर में भी सब लोग पकौड़े हो जाएंगे। इसलिए देखो अभी बन रहे प्याज के पकौड़े तैयार हो रहे हैं, पनीर के हो चुके हैं, आलू के भी हो चुके हैं। और ये पूजा ने प्याज देखो कितने जबरदस्त काटे हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया से पकौड़े आज बनेंगे, जबरदस्त। आधे पकौड़े मैंने बनाए हैं, अब है पूजा की बारी, क्योंकि पूजा फ्री हो चुकी है, क्योंकि मैं जब पकौड़े बना रहा था ये वाले, तब वो इन चीज़ों को ही तैयारी कर रही थी, है ना। ये थे ना, वेजिटेबल काटती थी, बर्तन धो रही थी, सब बताओ ना। तुमने बता दिया, तुम दो चार बातें और भी बता दो। तो गाइस फाइनली देखिए ये पकोड़े हो चुके हैं रेडी, यहाँ पे आलू वाले हो रहे हैं, और यहाँ पे पूजा करनी प्याज की पकोड़ों की तैयारी। वाओ। तो गाइस ऐसा नहीं है, ये मेरी हेल्प करते हैं वो अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बैठ जाती हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ लगी रहती हूँ, ये भी बोलो साथ में। लोग आप ज्यादा करते हो काम करवाती है। अरे यार लोगों का काम है कहना। हाँ वैसे मैं फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं होता। एक परिवार जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि सब जने मिलके काम करे तभी ये पकोड़े बनते हैं। तभी ये पकोड़े बनते हैं। क्या हुआ क्या मास्टर जी, देख लो। और भी माय डियर पूजा पकोड़े निकाल रही है प्याज वाले, ये पकोड़े का। और आज हमने सब एक साथ ही खाने, ठीक है ना, ऐसा नहीं करने की पहले उनको दे दो फिर हम खाएंगे, बाद में हम पनीर वाले पकोड़े खत्म हो जाएंगे। बस कर यार ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा हो रहा है कि ना हमारे पकोड़े जल जा रहे ब्लॉगिंग के चक्कर में। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे पकोड़े बने हुए। बस अब फटाफट चाय बने, उसके बाद लेंगे नज़ारे लंच के। हमारी शुरू हो चुकी है पकोड़ा पार्टी, तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी हम पकोड़े खाएंगे, आपको दिखा दिया कैसे बने, आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और बस इस व्लॉग के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो आपको। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे फैमिली ब्लॉग प्यारे प्यारे ब्लॉग बनते रहते हैं। तो चलो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय। कैसे कैसे पकौड़े जो पूछने पड़ रहे हैं।